रामेश्वरम के टेम्परेचर ने तेल निकाल दिया, आपको क्या होता। अभी फिलहाल सिर्फ हम मंदिर पर ऐसे ही फोटोग्राफी वगैरह करने आए थे, आज कुछ फेस्टिवल है जिसकी वजह से मंदिर पूरी तरह से बंद। जी, हमने सुबह भी बताया था। जी स्वामी जी, आप क्या कहना चाहेंगी मंदिर के बारे में? तो मुझे ना एक नई बात पता चली है, रामेश्वरम टेम्पल को रामनाथ स्वामी टेम्पल भी कहते हैं। लोगों के लिए शायद ये नया ना हो, बट मेरे लिए ये नई बात थी, मुझे नहीं पता था। तो रामनाथ स्वामी टेम्पल इसलिए इसको बोला जाता है या रामेश्वरम टेम्पल, क्योंकि जब सीता जी को लेने के लिए रामचंद्र राम सेतु को बनाने जा रहे थे और आगे जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो उन्होंने पहले यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी जी। क्योंकि शिव के राम के द्वारा स्थापित है ये शिवलिंग, इसलिए रामेश्वरम नाम पड़ा है इसका। और इस समय हम खड़े हैं घाट पे बट नहीं घाट घाट तो नहीं कहोगे, नाम मुझे अभी नहीं ध्यान आ रहा है जी। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, बट आप देखिए यहाँ आप नहा सकते हो और फिर आप दर्शन करने जा सकते हो, राइट जी। बट सच में जब भी आप रामेश्वरम आ रहे हो इस चीज़ का ध्यान रखिए, टेम्परेचर, पानी पीते रहिए और खाना कम से कम खाइए। अब यहाँ से आपको बता दूँ, हम जा रहे हैं कुडाल नगर स्टेशन, यहाँ का जितना था सब कुछ हो गया। कुडाल नगर स्टेशन यहाँ से लगभग 180 किलोमीटर, 3 घंटे की राइड लगभग ये मान के चलिए। अब कोशिश करेंगे थोड़ी बहुत आपको कैब की राइड दिखाएंगे, बट मज़ा आ गया। अभी फिलहाल अच्छी जगह खड़े हैं तो अच्छा लग रहा है, हवा लग रही है। हमने देखा इंडिया श्रीलंका का बॉर्डर भी, वीडियो को लाइक करते जाइएगा। चलें, बिल्कुल 3 घंटे लगेंगे, चलिए। लगभग 3 घंटे की रोड जर्नी करने के बाद फाइनली पहुंचे हैं कुडाल नगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। आपके सामने जो ये खड़ी है ये है 00432 चित्रकूट भारत गौरव, जो मैंने आपको पहले दिखाई थी, 3rd AC इकोनॉमी जिसमें कोचेज मिलेंगे। डिपार्चर टाइम बताया गया था करीब 6 बजे के आसपास का, करंट वक्त इट इज़ 6:15 और अभी भी ट्रेन को डिपार्ट नहीं किया गया। आप देखोगे वेब 7 आगे लगा हुआ है तुगलकाबाद का। अब लगेज लोड किया जा रहा है, अभी भी पैसेंजर्स आ रहे हैं, पहले सब पैसेंजर्स आ जाए फिर यहाँ पर काउंटिंग होगी और फिर देखते हैं ट्रेन को यहाँ से रवाना किया जाएगा। ये वाली ट्रेन रवाना होगी और फिर हमारी ट्रेन को लगाया जाएगा 00434, वो हो गई कैलाश भारत गौरव। हमारी ट्रेन का डिपार्चर टाइम इन्होंने बताया कुछ 7:15-7:30 का। लेट्स सी अब क्या होता है। बट आप यहाँ का फाइनली तमिलनाडु का वेदर देखिए, मतलब अब इतनी ज़बरदस्त धूप थी, अब वेदर अच्छा लग रहा है। और देखिए ये आपके सामने 3rd AC का, कोशिश कर रहे हैं अगर बाई एनी चांस इसमें ट्रैवल करने का मौका मिले, आपके सामने थोड़ा बहुत फीडबैक, थोड़ा बहुत रिव्यू, बट एक भी सीट खाली नहीं है, ये पंगा है। ये देखिए चित्रकूट भारत गौरव। अब यहाँ से हम चले तिरुपति बालाजी, और मतलब ना ही वो ज्योतिर्लिंग है ना ही वो 4 धाम में से, तो इन्होंने एक एडिशनल पॉइंट रखा है ताकि हमारे दर्शन हो पाए तिरुपति बालाजी के।